हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में, जिसमें तूफानी तेजी का माहौल देखने को मिला। और पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले 3 दिनों की बात करें, तो रॉकेट की रफ्तार पकड़ता हुआ कोल इंडिया जैसा ठंडा शहर आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ी खबरें निकल कर आ रही है 3, वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और आगे जाकर के तेजी के बावजूद भी ऊपर की तरफ कौन से लेवल आ सकते हैं, जिन्होंने माल को होल्ड किया है वो कहाँ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, और नई खरीदारी करना चाहता है वो भी कौन से लेवल को यहाँ पे वॉच आउट कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ डेफिनेटली बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले क्या बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे चैनल को आप विजिट करिए, यहाँ पे डेली बेसिस पे काफी सारे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वोडाफोन डे के ऊपर 20 मिनट पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरी चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी बात करेंगे कि आज की कोल इंडिया की सिचुएशन किस तरह की देखने को मिली। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में तो ब्लडबाथ चल रहा था, निफ्टी 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट दिखा रहा था, परंतु कोल इंडिया अपने आप में अलग ही धुन में चलता हुआ दिखाई दिया था। 184 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है, 8.5% की तेजी दिखाई दे रही है, 15 रुपये ऊपर जाकर के बंद होता हुआ दिखाई दिया। ना केवल कोल इंडिया परंतु पूरे के पूरे मेटल पैक में यहाँ पे तूफानी तेजी का माहौल देखने को मिला। इससे पहले मैंने हिंडालको का भी यहाँ पे एनालिसिस करके 2 दिन पहले वीडियो डाला है। मैंने आपको बोला था कि सिचुएशन बहुत बढ़िया है मेटल में, और हिंडालको में फ्रेश ब्रेकआउट आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा था। तब मैंने बाइंग की सलाह दी थी, उसके ऊपर 10% 2 दिन में ही आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे कोल इंडिया भी उसी तरह की मूव के लिए डेफिनेटली तैयार है। तो आपको डेफिनेटली ध्यान से सुनना है कि किस तरह की सिचुएशन कोल इंडिया में बनती हुई नजर आ सकती है। तो सबसे पहले जो खबर है कि इसके चलते कोल इंडिया में इतनी ज़्यादा तेजी आई है, तो उसी के बारे में पहले तो बात करना चाहूँगा, और इसके बाद और 2 खबरें हैं उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कोल इंडिया शेयर जंप 7% आफ्टर को पोस्ट मंथली प्रोविजन फिगर। तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो प्रोडक्शन का फिगर है और कोल इंडिया के मैनेजमेंट ने यहाँ पे सबके सामने रखा है, जिसके चलते बात करूँ तो कोल इंडिया में यहाँ पे तूफानी तेजी का माहौल देखने को मिला। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि कोल इंडिया भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चला है। जी हाँ, टेक्निकली बात करें तो कोल इंडिया 5 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की, 100 और 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टेक्निकली कोल इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। यहाँ पे बात करें तो फेब्रुअरी और मंथ का जो प्रोडक्शन का डाटा है वो 4% ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे बात करें मंथ ऑन मंथ तो 5% की यहाँ पे तेज़ी इसमें दिखाई दी थी। और यहाँ बात करें ऑफ टेक की तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे 12% की जंप, और यहाँ पे अप्रैल फरवरी की मंथ की बात करें तो उसमें भी बढ़िया जंप दिखाई दे रही है 17% की। तो दोस्तों, इस तरह के जो प्रोडक्शन के डाटा है वो कोल इंडिया ने प्रेजेंट करे है, जिसके चलते मार्केट में खुशहाली का माहौल। और इसके ऊपर यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के ऊपर जो न्यूज़ें चल रही है, वॉर चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो मेटल स्पेक के पॉजिटिव असर हो रहा है, इसका भी कारण बता दूँ। जब जहाँ तक बात है तो वो बहुत बड़ा वर्ल्ड में मेटल सप्लायर है, क्योंकि वॉर के चलते उसके जो सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसके चलते क्या होगा कि भारत जैसे देशों को, वन ऑफ द लीडर है मेटल यहाँ पे उत्पादन में, उनकी कंपनियों को ज्यादा यहाँ पे इसका असर हो सकता है, इसका प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आएगा तो मेटल के भाव बढ़ेंगे, मेटल की डिमांड होगी पर सप्लाई कम होगी, इसी के चलते मेटल की डिमांड ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसके चलते प्राइसेस हाई होगी, और इसके चलते यहाँ पे भारतीय मेटल की कंपनियां है उसको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। इसी के चलते मेटल शेयरों में तेजी है, और यहाँ पे कोल इंडिया में अपना खुद का भी ट्रिगर्स है, और बाकी मैंने जैसे बताया ग्लोबली ट्रिगर भी कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे आपको तूफानी तेजी कोल इंडिया दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। जैसे कि प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो 192 का टारगेट दे रहे हैं, जी 192 का टारगेट दे रहे हैं। और एक ब्रोकरेज हाउसेस है जो कि भारतीय ही है, डोमेस्टिक ही है, उनका भी नाम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। एडलवेस की बात करूँ तो एडलवेस यहाँ पे 182 के आसपास का टारगेट दे रहे थे, और यहाँ पे बाइंग की रेटिंग दे रहे थे, तो ये टारगेट तो यहाँ पे अचीव होता हुआ डेफिनेटली दिखाई दिया है। कारोबार की सिचुएशन पे लेके जाना चाहूंगा और इसके बाद चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। तो पहले कारोबार की सिचुएशन बता दूं कि कोल इंडिया की किस तरह की देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखें 184 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 8.5% की तेजी, प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 169.55 रुपये, ओपन 171 रुपये, हाई 185.65 रुपये, लो की बात करें 171, और एडजस्टेड क्लोजिंग की बात करें 184.80 रुपये।
जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है अपने आप में बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। आप देखें 7 करोड़ 26 लाख शेयर की ट्रेडिंग, 2 करोड़ 22 लाख शेयर की डिलीवरी, और इसमें भी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मान करके चलिए 30.5% के आसपास की निकलती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। सीधा चार्ट पे लेकर जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की है वो आपके सामने डिटेल एनालिसिस करके बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा पूरा बने रहे। दोस्तों जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आए और यहाँ पे कोल इंडिया का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि कोल इंडिया में हाल फिलहाल में सिचुएशन किस तरह की दिखाई दी थी। यहाँ पे देखें बड़ी गिरावट, उसके बाद काफ़ी यहाँ पे महीने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद तेज़ी निकल करके आई थी और 200 के आसपास मैंने पहले बोला था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको एक बार तो रिस्पेक्ट जरूर करेगा। सेम हुआ 200 के आसपास, यहाँ पे देखें भयंकर गिरावट, देखते ही देखते 140 के आसपास का लो भी लगा दिया। 140 के आसपास फिर से मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और उसके बाद तेज़ी और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और फाइनली यहाँ पे देखे तो 185 तक की मूव यहाँ पे देता हुआ नज़र आया है। जी हाँ, अभी आगे क्या करें वो बताने की कोशिश करूँ तो आगे मुझे लगता है ये जो तेज़ी है अप टू 200 तक तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सटेंड होगी, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। पर मेरा मानना है कि फाइनली 200 का लेवल आगे जा करके अगले 3 से 4 महीने में आपको ब्रेक होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा और उसके बाद 230 तक की जर्नी कोल इंडिया तय करता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए 200 के टारगेट के लिए होल्ड करिए, उसके बाद थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म लेना है 230 और उसके बाद 280 तक के भी टारगेट मुझे लगता है कोल इंडिया देता हुआ नजर आएगा। तो इन सभी लेवलों को आपको वॉचआउट करना है, उसके बाद अपनी स्टडी भी कंडक्ट करनी है। नहीं ये तो तेजी की बात हो गई, नीचे आया तो SL कहाँ लगाना है शॉर्ट टर्म वालों को, तो 168 अपने आप में अच्छा सपोर्ट है अभी, तो 168 के SL के साथ शॉर्ट टर्म वाले होल्ड करके रखे। इसके नीचे थोड़ा SL रखो जो कि मुझे लगता है सेफ साइड भी है, 160 का भी SL यहाँ पे रख सकते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और फाइनली बहुत ज़्यादा नीचे एक सपोर्ट है, अगर बहुत बड़ी गिरावट हुई तो 148 का भी सपोर्ट आपको नजर आएगा, पर 148 डेफिनेटली अभी नहीं रखना है, 160 या तो फिर 168 एज पर योर रिस्क एपिटाइट यहाँ पे आप अपने ऐसा लग सकते हो कि आपने कितने दिनों के लिए यहाँ पे निवेश के लिए कोल इंडिया रखा है, आपके टारगेट के अनुसार यहाँ पे आप इसमें SL ले सकते हो, जैसे कि मैंने 3 SL आपको सुझाया है। RSI का लेवल देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे RSI का लेवल हो चुका है 65 के आसपास, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग RSI का लेवल नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कोल इंडिया को आप स्टडी करिए और इसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।